वजह शोहरत मोनालिज़ा का एक स्माइलिंग था, हंसी था। अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मोनालिज़ा का वजह शोहरत हंसी नहीं था, इसकी वजह शोहरत कुछ और था। इतने शोहरत क्यों हो सकता है एक पोर्ट्रेट का, जो मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। देखिएगा, एक चीज़ होता है जिसको आप भी समझते, दिस इंग्लिश वर्ड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब नीचे को जाना, कॉन्वेक्स ऊपर आ रहे हैं आप। ये इंसान का जो शक्ल देखेंगे तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बहुत सारे हैं, पूरे जिस्म पे चले जाएंगे तो गिनना मुश्किल है। मज़े की बात है कि लियोनार्डो दा विंसी का पेंटिंग 700 ईयर्स बैक, अगर जो पेंटिंग इन्होंने दुनिया में छोड़ गए हैं, मोनालिज़ा के नाम से मशहूर है, उस पेंटिंग के पीछे एक लैंडस्केप कंपोजिशन है। पूरे पूरे एक पहाड़ है, बादल है, दरख्त है, इवन रॉक्स फॉर्मेशन है, बहुत कुछ है, डिटेल है। मज़े के बाद कि मोनालिज़ा का शक्ल में जितने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स आप गिनेंगे, एवं बॉडी के ऊपर भी जो कंट्यूर पाया जाता है बाहर बाहर लाइन के साथ, एक एक कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के साथ साथ वो जो लैंडस्केप लियोनार्डो ने किया है उसके साथ इंटीग्रेट किया है, इन्हें क्या हम इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिजेक्शन। मोनालिज़ा का यही सारे जो एक मुअम्मा है, इसी वजह से मोनालिज़ा देखा गया है कि शुरू से अभी तक उसको शोहरत लेता हुआ आ रहा है कई सदी से। और ये शोहरत देने वाले के पीछे कोई टेक्निकल इंसान इसको कैलकुलेट करके ही इसको कहा है कि बहुत यूनिक पोर्ट्रेट, हाईली कैलकुलेटेड। कमाल ये है कि जो आज हम मॉडर्न थ्योरी के साथ ये चीज़ को एसेस कर रहे हैं, जो कि लियोनार्डो साहब 700-800 साल पहले ये चीज़ सोचा था और पोर्ट्रेट को कामयाब तरीके में दुनिया में छोड़ गए हैं।